सारे देखे होंगे मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग ब्लूटूथ है, बट आज हमारे पास एक बहुत ही यूनिक ब्लूटूथ मिलने वाली है जो कि यहाँ पे जो आपको 12 वॉट आरजीबी ब्लूटूथ 4.0 है। बट ये जो बाकी मार्केट में ब्लूटूथ है उससे बहुत ही अलग होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इस कंपनी का नाम है विवटॉन, जो कि इस ब्रांड का नाम है जो इस ब्लूटूथ को लॉन्च किया है और बहुत ही बेहतरीन रहने वाला। तो सबसे पहले हम इसको जो है ओपन करके देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है। नेचुरल आप सबको पता होगा कि इसके अंदर जो सबसे पहली बात करें इसकी बॉक्स की, इसका जो बॉक्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जेन्युइन यहाँ पे जो है बॉक्स आपको मिल जाता है अच्छा, जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी पैकेजिंग। आप कहीं भी से मंगवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना ब्रेकिंग के आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग बहुत ही बेस्ट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करें इसके जो है अंदर आपको मिल जाता है इस तरीके से जो है आपका जो है ब्लूटूथ रहने वाला है, जो कि एक पॉलोथिन में रहेगी इस तरीके से। तो उसके बाद ये है हमारा ब्लूटूथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ है। और अगर बात करें जो है इसकी स्टाइल की, लुक स्टाइल की, तो ये जो है गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाउन टू अप है। मतलब अभी तक आपने देखा होगा वो एक जो है चिपटे टाइप की जो पहले आती थी ब्लूटूथ, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, बट ये जो है इसकी बात करें तो इसकी जो है लुक और इसकी डिजाइन काफी अलग है। बात करें इस प्रोडक्ट की तो ये जो है प्रोडक्ट आपको मेड इन इंडिया है। उसके बाद बात करें कलर टेम्परेचर की, तो आपको अगर मैं इसमें दिखाऊं तो होल्डर में लगाने के बाद इसकी बात करें कलर की, तो कलर कुछ इस टाइप की आपको मिल जाता है इसमें। बहुत इसमें आपको जो टोटल 12 कलर मिलेंगे आरजीबी में अलग अलग टाइप की। और उसके बाद बात करूं इसकी जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो 85 ल्यूमिनस रहने वाली है। और डिजाइन की बात करूं तो आप डिजाइन खुद देख पा रहे हो, इसकी जो डिजाइन काफी मॉडर्न डिजाइन यहाँ पे आपको एसी 220 वॉट से चलता है, जो कि हर किसी के घर में हर जगह पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसको अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं बहुत इजिली। तो और अगर इसकी बात करें गाइस व्यू एंगल की, तो अगर व्यू एंगल की बात करें तो 130 डिग्री का एक बहुत ही बेहतरीन आपको जो है व्यू एंगल मिल जाता है। उसके साथ बात करें इसकी टाइमिंग की, वर्किंग टाइमिंग की, तो 50,000 घंटे वर्किंग टाइमिंग है, जो कि अमेजिंग है यार, बहुत होता 50,000 घंटे, तो इतना जो है काफी रहने वाला आप सभी के लिए। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि अपने फोन में है ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो है ऑप्शन आ जाएगा स्कैन करने के बाद JKS, इस पर आपको सिंपली कर देना कनेक्ट। तो यहाँ पे मांगेगा पेयर और पेयर कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आपका ब्लूटूथ पेयर हो जाएगा बहुत ही इजिली वे में। और इसमें जो सबसे बेस्ट जो आपको फीचर मिल जाता है गाइस वो ये मिल जाता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑन और ऑफ का जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो ऑन ऑफ में आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप ऑफ दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, और साथ ही ऑन का बटन दबाते हैं ऑन हो जाएगा। देखिए कई सारे जो है ब्लूटूथ स्पीकरों में रेयरली काम करता, बट इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ऑन और ऑफ इजली है। अगर बात करें कलर सेगमेंट की, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा इसके अंदर कलर मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें आर रेड, ये देखिए इसमें जो आपको टोटल जो है 12 कलर मिल जाएंगे। ये देखिए ये सारा जो है अलग अलग इसमें कलर है, तो एक एक करके जो है यहाँ पे हम सारे कलर देखेंगे। तो ये देखिए कितना मतलब कि बढ़िया इसमें आपको कलर मिल जाता है, और सारे कलर एक से एक यहाँ पे आपको जो है यूनिक कलर मिल जाता है इसके अंदर। ये देखिए ये येलो है, कितना बढ़िया है। उसके बाद ये देखिए मतलब कि बहुत सारे, मतलब 12 कलर आरजीबी मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद बात करें इसमें जो है लाइट कंट्रोल का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्लो और जो है हाई और लो का। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए लाइट जो है आपकी डिम होती चली जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अगर आपको हाई करना है तो ये हाई बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो ये देखिए आपका जो है लाइट हाई होता जाएगा जैसे जैसे, मतलब डिपेंड करता है आपको लाइट कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसमें एक कलर और है, वो है वाइट कलर, जो कि इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से वाइट कलर आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें इस बटन में जो है यहाँ पे एक आता है फ्लैश का ऑप्शन। अगर आप फ्लैश दबाते हैं तो इसमें देखिए सारे के सारे जो है कलर यहाँ पे चेंज होगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो है आप इसमें देख पा रहे होंगे एक जो बटन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्ट्रोब का है, जिसे आप दबाएंगे तो आपका जो है कलर बहुत ही मतलब चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपका वो है फैड का। तो ये देखिए फैड का जब आप बटन दबाएंगे तो इसमें जो है कलर बहुत ही स्मूथली पता ही चलेगा ऐसा फैड होता रहेगा। और उसके बाद लास्ट आता है एक स्मूथ का ऑप्शन। तो ये स्मूथ का ऑप्शन है जो कि स्मूथली ये जो है आपका लाइट ऑटोमेटिकली सारे सारे चेंज होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर सॉन्ग को रोकना है, आगे बढ़ाना है, पोज करना, प्ले करना, तो उसका ऑप्शन आपको इससे मिलने वाली है यहाँ पे। और वॉल्यूम
ये देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम अगर आपको जो है डाउन करना है तो इसे प्रेस करके रखना होगा तो डाउन होगा, इसे प्रेस कर रखेंगे तो अप होगा। तो एक एक करके जो हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, तो इसमें जो है अपने फ़ोन में मैं एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ जो कि आप सभी जो है यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही बेस्ट जो यहाँ पे साउंड क्वालिटीज़ की रहने वाली है। तो ये देखिए, तो गाइज इसमें जो है मैंने एक सॉन्ग प्ले कर लिया है और अब बात करते हैं इसकी जो है साउंड क्वालिटी की। तो ये देखिए साउंड क्वालिटी कितना बेहतर है इसका, तो आप खुद देखेंगे मतलब बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है। और इसकी जो अगर बात करें यहाँ पे जो है मैग्नेट की, तो जो बाकी स्पीकर है उससे काफ़ी आपको बेहतर मिल जाता है। और इसकी साउंड कंट्रोल की, ये देखिए अगर मैं इसे प्रेस करके रखूँगा तो साउंड जो है इसमें अपने आप ही डाउन होकर चली जाएगी अगर आप इसे डाउन करना चाहते हो। ये देखिए प्रेस करते तो डाउन हो जाएगा और अगर आपको हाई करना है तो प्लस को जो है आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है। ये देखिए साउंड आपका जो है अपने आप ही अप हो जाना है। अब बात करते हैं इसकी जो है नेक्स्ट फीचर की, तो आप जैसे ही अपने फ़ोन से जो है साउंड को डाउन करेंगे तो आप ये देखेंगे इसके जो कलर अपने आप ही डाउन होता चला जाएगा। स्टेबल मतलब ये जो आपको फीचर है साउंड के साथ जो है मिलेगी। ये देखिए अब मैंने साउंड को बहुत ही लो कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा जो है डीम जो है आवाज़ और उसके साथ जो है कलर की भी आप देख पा रहे हो फेड बहुत धीरे हो रहा है। बट जैसे हम इसके साउंड को अप करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए जैसे जैसे साउंड अप करेंगे इसकी जो है कलर में भी चेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप सभी को। ये देखिए यहाँ पे जो है आपको देखिए अपने आप ही यहाँ पे जो है कलर के आप फेड देख पा रहे हो बहुत ही मतलब कि साउंड के अकॉर्डिंग जो है ये चलने वाला आपका ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि आपका 4.0 है और ये 12 वाट में आपको मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात कि 12 वाट में है। बात करें इस कंपनी की, जो जिस कंपनी की है वो है बिग टोन की कंपनी, जो कि आपको इस तरह की ब्लूटूथ एक बेहतरीन रेट प्राइस में जो है आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो बात तरह के अलग अलग चार टाइप के जो है मिल जाएंगे ब्लूटूथ स्पीकर जो कि बहुत ही बेहतरीन रहने वाला आप सभी के लिए। तो गाइस आप जो है इसे बहुत ही ईजली वे में परचेस कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है चारों के चारों वेरिएंट्स मिल जाएंगे बहुत ही इजीली वे में और सारे सारे जो है 12 वाट में यहाँ पे आपको मिल जाता है और कलर आपको बहुत ही बेस्ट मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस रेट रहने वाला है वो गाइज ओनली 4 रहने वाला है 190 रुपये, जिसमें कि आप इसे परचेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जो है मार्केट डिमांड रहने वाला है क्योंकि ये देखिए इसके जो कलर हैं बहुत ही यूनिक है। और बात करें इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में जो है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है जो कि जेन्युइनली बहुत ही बेस्ट है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे दिया गया जिससे कि आप कॉन्टैक्ट करके इसे परचेस कर सकते हैं ईजली वे में। सो गाइज थैंक यू वेरी मच बहुत।